लास्ट सोलर डिहाइड्रेटर जो था वो हमने बना लिया अपना। स्क्रैप वुड जो वेस्ट मटेरियल था पड़ा हुआ हमारे पास में, तो उसका प्रयोग करते हुए ये पहले बेस स्ट्रक्चर तैयार किया। उसके बाद उसके ऊपर जो है इस तरीके से वेस्ट वुड से ही इसका चारों तरफ से स्ट्रक्चर तैयार किया गया, और उस पर हमने अपना जो एग्रीकल्चर पाइप थे उनको खोल के इसके चारों तरफ लगा दिया, क्योंकि वो भी वेस्ट मेरे पास अवेलेबल था एक। और उन सबसे तैयार करने के बाद हमारा एक ये अपना जो सोलर डिहाइड्रेटर है वो तैयार हो गया। इसमें जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये पॉलीकार्बोनेटेड शीट हमने लगा दी है, सो दैट के जो यूवी रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएं और जो हीट है वो अंदर पूरी बनी रहे। और जब हीट बनेगी तो अंदर की हवा, क्योंकि बाहर निकलेगी तो बाहर की हवा अंदर भी आने की आवश्यकता है, तो वो इनलेट से ये हवा अंदर जाएगी, और यहाँ से ये हवा अंदर जाने के बाद जब हीट अप होगी तो हीट होने के साथ साथ वो जो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा उसको डिहाइड्रेट करेगी, क्योंकि यहाँ से वो हवा नीचे से ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के बाद वो नीचे पीछे जो आप देख रहे हैं आउटलेट्स, उन आउटलेट से वो गर्म हवा बाहर निकल जाएगी, और ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर लगातार। और वो जब साइकिल शुरू होगा तो अपने आप ही वो चलना शुरू हो जाएगा। एक बार जैसे ही अंदर का मामला हीट अप हुआ, जैसे ही जो डिहाइड्रेटर है उसके अंदर जो हीटिंग जैसे ही स्टार्ट होती है, तो साइकिल के बाहर की हवा अंदर जाएगी ताज़ी हवा, और जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे मॉइस्चर को लेती हुई बाहर निकलती जाएगी। तो अंदर मॉइस्चर एक तो जमा नहीं होगा, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, धूल नहीं पड़ेगी। ऐसे हम खुले में अगर करते हैं कभी, तो खुले में करने से क्या होता है कि धूल पड़ेगी, धूप सीधी पड़ती है तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कई बार उड़ जाते हैं, तो वो सबसे इसके अंदर डिहाइड्रेटर के अंदर हम इससे बचाव कर लेते हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित और साफ तरीका है डिहाइड्रेट करने का, वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों। ये स्टील की जाली हमने इसमें यूज़ करी है सो दैट कि जंग वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये टिन लगाया है हमने, टिन क्योंकि गर्मी के अंदर जल्दी हीट अप होता है तो हवा को जल्दी गर्म करेगा अंदर की, और अंदर का जो एक टेम्परेचर है उसको रेस करने में मदद करेगा। तो हवा जब नीचे से आएगी जाली में से होती हुई ऊपर उठेगी, तो साथ साथ जो प्रोडक्ट इसके ऊपर पड़ा होगा उसका सारा मॉइस्चर वो लेते हुए और ये आउटलेट से ये हवा बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सारा ये जुगाड़ से बनाया हुआ तरीका है सारा। इसमें टोटल वेस्ट मटेरियल का हमने यूज़ किया, हाँ पॉलीकार्बोनेटेड शीट मुझे खरीदनी पड़ी, स्टील की जाली खरीदनी पड़ी है, और बाकी सारा मटेरियल जो है ये वेस्ट है जिसको हमने यूज़ किया, और ये डिहाइड्रेटर तैयार हो गया। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू मेक।